सो so गाइज ये एक वेबसाइट है जहाँ से मैं एवरी सिंगल डे चार हज़ार से ले कर बीस हज़ार तक डेली अर्न करता हूँ मिनिमम चार हज़ार से ले कर बीस हज़ार ट्वेंटी थाउजेंड डेली एंड वो भी दिन का एक घंटा या दो घंटा लगा के बट इसके लिए बहुत मेहनत लगी है पहले ऐसा नहीं है कि ये ईजी चीज़ है और ये कोई गेम भी नहीं है ना कोई सट्टा है ना कोई हराम चीज़ है ये प्योरली एफिलिएट मार्केटिंग है और एफिलिएट मार्केटिंग या फिर आपको ऐसी चीज़ें सीखनी है आपको पहले लर्न करना पड़ेगा और लर्न करके वहीं पे आप अर्निंग कर सकते हो मैंने भी सेम चीज़ की है मैंने भी कोई ऐसे तीर नहीं माना मारा बहुत बड़ा क्योंकि मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग खुद मेरे से भी ज़्यादा कमाते हैं कुछ लोग तो ऐसे तो एक दिन में पचास हज़ार कमाते हैं क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड बहुत बड़ा है मतलब इतना ज़्यादा कुआ है ना वो समंदर मतलब इतना बड़ा समंदर है कि उसकी कोई हद नहीं है ये चीज़ मुझे भी पता नहीं थी मुझे भी बहुत टाइम के बाद पता चली तो इसीलिए मैं डेली मोटिवेट करता हूँ डेली आता हूँ और बताता हूँ कि अगर कोई इंटरेस्टेड है ऐसी चीज़ में तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करिएगा सिंपल सी बात है अगर आप इंटरेस्टेड हो मैंने भी वहीं पे लर्न किया पहले फिर वहीं पे अर्न कर रहा हूँ आपको भी सेम चीज करनी है उसकी ट्रेनिंग भी दूंगा सिंपल सी बात है तो ये व्हाट्सएप है यहाँ पे मैसेज करिए और अपनी ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए स्टेप लीजिए अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए अगर अपने वाला है कुरान क्लास सिक्सटी फोर है अन्यसा एंड आयत नंबर एलेवन टू आयत नंबर फोटीन तक मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बता रहे हैं कल उन्होंने तीन आ, जो ज़रूरी चीज़ें थीं वो बताया विरासत के बारे में वसीयत के बारे में और हिब्बा के बारे में तोहफ़ा जो होता है तो देखते आगे उसी की बातचीत चालू है आगे तो लेट्स इस, इस हवाले से एक और हदीस है सही बुहारी के अंदर कि अल्लाह के महबूब सल्ला वसलम ने फरमाया किसी को गिफ्ट दे वापस लेने वाला ऐसा ही है जैसा कि कोई कुत्ता कै करके उसको चाट ले और हमारे लिए ऐसी बुरी मिसाल नहीं हो सकती अरे नबी इस्लाम ने फरमाया कि गिफ्ट किसी को दे के वापिस नहीं आप देंगे ये हराम है इसको स्पॉटिव हदीस व तिरमजी और बुदौद की भी है जो मश्कात के अंदर भी मौजूद है और ये सारी दिशें आपको मशात में उस चैप्टर में मिल जाएंगी इन शबी इस्लाम ने फरमाया कि किसी के लिए ये हलाल नहीं कि वो किसी को गिफ्ट दे के वापिस ले सवाए बाप के कि वो अपनी औलाद कोई को गिफ्ट दे तो वो वापस ले सकता है क्योंकि okay. वो अलग से हदीस है सुन अपने माजा के अंदर कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है सही बात है बाप अगर औलाद कोई को गिफ्ट देता है ना तो वापिस ले सकता है और आप किसी को गिफ्ट देंगे तो आप वापिस नहीं लेंगे क्योंकि नबीम ने उसे कुत्ते की मिसाल बयान किया और कहा कि बुरी मिसाल है लेकिन यहां पे याद रखिएगा कि मां बाप अपनी औलाद को आँक नहीं कर सकते अक्सर नाराज़ हो जाते हैं तो कहते हैं कि वो अखबार में भी इश्ते दे देते दे हैं कि जी मैं अपनी सारी मनकूला गैर मनकूला फला वो पूरी एक पूरी जुडिशरी की लैंग्वेज में वो लिखा होता है उससे मैं अपनी औलाद को आक करता हूं पाकिस्तान के कानून में तो वो चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है लेकिन इस्लाम में इस्लाम में, में कोई बाप अपनी औलाद को आक नहीं कर सकता इस तरीके से बाकी रिश्तेदार भी क्योंकि अल्लाह के हुक्म को तोड़ नहीं सकते ना कत रहमी तो आप कर ही नहीं सकते रहमी रिश्तों को कौन काट सकता है कोई कितना भी नाफरमान बेटा हो बाप ये तो नहीं कह सकता ये मेरी औलाद नहीं है और दूसरा बालो दौलत तो अल्लाह का दिया हुआ है वो अगली नसल में ट्रांसफर होना ही होना है कोई माँ बाप अपनी औलाद को आक नहीं कर सकते बाकी वो जो नाराजगी का सबब औलाद बनती है उनका बबाल उस औलाद पर होगा दुनिया में भी आखरत में भी लेकिन आप अल्लाह की हद को तोड़ नहीं सकते तो ये आग वाला काम जो है ना बिल्कुल हराम है और इसी तरीके से कोई शख्स अपनी जिंदगी में सब कुछ किसी मदरसे को गिफ्ट कर दे किसी एनजीओ को दे दे नहीं आप अपनी जिंदगी में गिफ्ट भी करेंगे ना तो अपने पूरे माल का एक तिहाई हिस्सा सिर्फ गिफ्ट कर सकते हैं और यह भी ज्यादा से ज्यादा और पसंदीदा नहीं है एक तिहाई अगर इस पर डायरेक्ट हदीस कोई नहीं है लेकिन एक और हदीस है जो वसीयत से मुतालिक है उसमें एक तिहाई का जिक्र है उस को देखते हुए अक्सर जो अहल सुन्नत के उलमा हैं, उनका यही मौकफ है कि आप अपना एक तिहाई से ज्यादा माल किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते और ना अपनी जिंदगी में अपने हाथों से विरासत तकसीम कर सकते हैं यह भी बात लोग कहते हैं नहीं, पिछू लड़ेंगे मैं आप ही वर्ण जमा नहीं वरासत शुरू ही होती है मरने के बाद जिंदगी में आप कैसे बांट सकते हैं आप बांट के साइड में हुए एक बेटा मर गया हां तो वो जो उस बेटे को जो आपने दिया हुआ है, वो तो उसका ही नहीं था अब उल्टा उसकी दौलत आपको मिलेगी तो आपने खुद ही अपनी दौलत उसको दे दी नहीं मरने के बाद, बाद वरासत शुरू होगी जिंदगी में हिब्बा होगा अब वो दूसरी टर्म उसकी तरफ आ जाए वो है वसीयत वसीत वाले से जामिया तिरमजी और अब दौद में हदीस है जो मिशकात में मौजूद है कि अल्लाह के महबूब साल व् ने फरमाया कि ने अपनी किताब के अंदर वारिस का हिस्सा रख दिया है यानी कुरान के अंदर अब किसी के लिए हलाल नहीं कि वो अपने वारिस के लिए कोई वसीयत करे कि यानी ये मेरा बेटा बड़ा खदमत गुजार है तो इसको वो हिस्सा तो मिले ही मिले जो मेरे मरने के बाद जायाद में से मिलना है और कुछ मेरा यह फालतू जो चीज है यह भी इसको मिले नहीं उसको उतना ही मिलना है जितना अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर रखा है तो वारिस के लिए वसीयत नहीं हो सकती वसीयत अदर देन वारिस होगी सही बात है मसलन किसी ले पालक बच्चे को आप वसीयत कर सकते हैं क्योंकि वो तो आपका हकीकी नहीं है तो आपकी विरासत तो नहीं उसे मिलेगी सही बात है। किसी एनजीओ को कर सकते हैं किसी ऐसे रिश्तेदार को कर सकते हैं जिसे विरासत में हिस्सा तो नहीं मिलना लेकिन उसने आपकी बड़ी खिदमत की बुढ़ापे में कोई आपका खादे है तो आप उसे वसीयत कर सकते हैं और एक तहाई तक कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली मिलना था ना किसी को उससे बढ़कर इसी तरीके से किसी का बेटा फोत हो गया तो अब पोतों और पोतियों को तो जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा तो दादा जो है अपनी जिंदगी में अपनी बहू के नाम पे अपने पोते और पोतियों के नाम पे एक तिहाई माल की वसीयत कर सकता है और गिफ्ट भी दे सकता है एक मुस्लिम दोनों में है सही बुखारी और सही मुस्लिम की है, दोनों किताबों में है सादिब नबी बका रजील नुमा कहते हैं कि फतेह मक्का के मौका पर मैं इतना बीमार हुआ कि मुझे यह यकीन हो गया कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा हालांकि वह उसके बाद भी तकरीबन आप समझ ले पैंतालीस साल तक जिंदा रहे और छप्पन हिजरी में अजर माविया के दौर में सबसे आखिरी बदरी साहबी जो फौत हुए वो साद साबी वकास जमाने तो में इलमे गैब नहीं होता था ना बुजुर्गों को तो पहले ही पता चल जाता है कि आप मरने वाले हैं इनको भी पता चल गया था मरने वाला हूं लेकिन नहीं मरे और अल्लाह के नबी नबीलाम इनकी यादत करने हैं और आपने भी नहीं फरमाया कि तुमको नहीं मरना तो उन्होंने कहा यारसोल्ला मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपना सारा माल जो है ना वो हदिया कर दूं किसी नेकी के काम में क्योंकि मेरी तो एक ही बेटी है उनके जहन में होगा इसकी तो शादी हो जानी है इसको क्या दौलत की जरूरत है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला ने फरमाया उन्होंने पूछा यारसल्ला इजाज़त है आपने फरमाया ला नगी। नहीं हालांकि नबीलाम की मुबारक जुबान से ला का लफ्ज़ नहीं निकलता था बहुत ही कम मवाके पे ऐसा हुआ है कि आपने ला का लफ्ज बोला है जहां बहुत जरूरत पड़ी है और उनमें से एक मौका यह था उन्होंने कहा यार सुल्लाह दो तिहाई माल कर दू ज़्यादा है कहा आधा माल फरमाया फिर कहा एक तिहाई तो आपने फरमाया ये भी ज्यादा है लेकिन इसकी मैं तुम्हें इजाजत देता हूं तो इससे पता चला कि वसीयत हिब्बा ये सारी चीजों में ये बुनियादी हदीस ये है बुखारी और मुस्लिम की कि एक तिहाई से ज्यादा नहीं करना सारा कुछ ही दे के चले जाएंगे तो पिछड़ों को क्या मिलना है और यही बात आप ने की आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इंसान जो कुछ अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करता है हत्ता कि उनके मुंह में लुक्मा भी डालता है ये भी अल्लाह के हुज़ूर ने की है सादब नबी वकाश को फरमाया और फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़कर मरो ये इससे बेहतर है कि तुम्हारे मरने के बाद वो लोगों से मांगती फिरे और जो तुम अपनी औलाद के लिए भी छोड़ के मरोगे ना तो वो स्वाब है आम लोग यही समझते हैं और मौलवी इनको पट्टी यही पढ़ाते हैं कि ये मदरसे न लिख दो वो ये समझते हैं कि मदरसे वो लिख दिया तो स्वाब होगा और अगर मेरी औलाद को विरासत गई तो स्वाब नहीं होगा नहीं भाई औलाद को भी जाएगा तो स्वाब होगा सही गल स्वाब तो होना है तो नबी इलाम ने एक तिहाई माल ज्यादा से ज़्यादा की इजाज़त दी कि इसको तुम आ, वसीयत कर सकते हो इससे ज़्यादा नहीं दो तिहाई पिछड़ों के लिए छोड़ के मरो यानी आपस्लाम ने नापसंद फरमाया कि कोई शख्स सब कुछ ही अल्लाह की राह में खराद करके चला जाए अच्छा अब ये जो विरासत है ये तकसीम होगी जो मरने वाला शख्स है उसका कर्जा पहले उतारा जाएगा उसके बाद जो उसने वसीयत की है वो दी जाएगी बाकी जो माल बच जाएगा ना वो आपने फिर भुरासा में तकसीम करना है उस तरीके पे जो सुरसा की आयत नंबर 11 और 12 और 176 में आया और कुछ तफसीलात बुहारी और मुस्लिम और बाकी अदीस में आई जो मिश्कात की दूसरी जल्द में किताबलफ़रा चैप्टर के अंदर मौजूद है लेकिन पहले कर्जा उतारना है और वसीयत को पूरा करना है उसके बाद अक्सर गैर मुसलमों की तरफ से भी इतराज़ किया जाता है कि ये जो कानून वरासत कुरान में आया ना इसकी अगर आप पूरी कैलकुलेशन करें तो वो हंड्रेड का अदद पूरा नहीं आता यानी आप इसको इतना दे दें दे, इसको इतना दे दें दे, इसको इतना दे दें दे तो होना तो चाहिए वो सारों को जमा करें तो सौ पूरा हो जाए बास जगह पूरा भी हो जाता है बास जगह नहीं होता तो कहते हैं कि वो तो ये तो मैथमेटिकल एरर है कुरान के अंदर नाउदिल्ला तो उनको पता नहीं है कि इस्लाम का सोर्स ऑफ नॉलेज सिर्फ कुरान नहीं है बल्कि सुन्नत भी है।, सही है जो चीज़ें कुरान में तफसील से नहीं आई वो सुन्नत के अंदर यानी सही उस्नाद हदीस के अंदर आई है चुनाचे उसमें एक बुनियादी हदीस है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर है नबी सल्लाम ने फरमाया कि मुकर हिस्सा मुस्तकिन को देने के बाद जो बच जाए तो वह सबसे करीबी मर्द रिश्तेदार का है आपने जुदाद तकसीम की और कुछ बच के उस तकसीम के बाद भी जो अल्लाह ने मुकर किया है तो सबसे करीबी जो मर्द रिश्तेदार है उसको मिलेगा यानी चचा और ताया या चचा और ताया की औलाद इस कॉन्टेक्स्ट में एक और स्पोर्टी हदीस है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है कि भतीजा और भांजा तुम्हारे खानदान और कौम में शुमार होगा चचा और ताया फौत हो गए हैं तो फर्स्ट कजन जो है ना उनको जदाद चली जाएगी अच्छा और एक और इशू इसी से रिलेटेड है वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है इस्लाम ने फरमाया कि मुसलमान किसी काफिर का वारिस नहीं होगा और कोई काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होगा यानी अगर किसी की औलाद काफिर हो गई है और दीन छोड़ गई है अब उसको अपने बाप की जदाद से कुछ नहीं मिलेगा अच्छा और एक और क्रिटिकल हदीस है जो जामिया तिर में है कि कातिल मकतूल का वारिस नहीं है का? ये अक्सर आप सुनते हैं ना टीवी पे भी कि किद ने जादाद की खातिर बाप को मार दिया तो जामिया तिरमजी में अदीस है मिशकात में भी है कि कातिल अपने मकतूल का वारिस नहीं हो सकता सगा बेटा भी है कुरान में हिस्सा मौजूद है अब कुरान में तो ये बात नहीं लिखी हुई थी लेकिन कुरान के ये खिलाफ नहीं है क्योंकि कुरान में यह भी नहीं लिखा हुआ के जो कातिल है वो मकदूल का वारिस होगा अक्सर लोग अपने मकतूल का वारिस हो सकता है वो कहते हैं तो नहीं हुआ लेकिन लॉजिकल है वरना तो सारे एक दूसरे को चक्या बढ़ गए तो जदाद मालिक हो जाएंगे यहां पर लोग जदाद हथियाने के लिए कतल नहीं कर देते तो जो कातिल है ना वो जिसको कत्ल कर रहे हैं ना चाहे उसका बेटा है उसका भाई है वो उसकी जदाद में से उसे जीरो तो उसने दुनिया और आखिरत में भुगतनी है जदाद नहीं उसे मिलेगी इसी तरीके से सही बुखारी में हदीस है कि बेटी के लिए आधा हिस्सा है और पोती के लिए एक बटा छ है अगर जो मरने वाला की सिचुएशन ऐसी है कि वो उसके मां बाप भी नहीं तो इस तरीके से आगे भी ट्रांसफर होगी अच्छा ये मैं विरासत के कवानीन के हवाले से आपको बता दूं कि पैट मसाइल जो कुरान में आए ना उस पर तो है इतफाक बाकी छोटी मोटी डिटेल्स के अंदर अहल सुन्नत के अंदर भी इख्तलाफ पाया जाता है और सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट में भी इख्तलाफ राय मौजूद है लिहाजा उन मसायल में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है जो आपको बेहतर राय लगती है ना वो आप कर लें असल जो चीज़ पूरी करने वाली जो बुनियादी बातें हैं वो वही हैं जो कुरान के अंदर आई हैं बाकी चीज़ों को अल्लाह तला ने खुद इजहादन छोड़ दिया है जो भी बेटर सिचुएशन होगी उसके मुताबिक अमल साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जायदाद के बारे में जायदाद का हिस्सा किसको कैसे मिलना चाहिए कब मिलना चाहिए बेटे को कैसे मिलना चाहिए वो सारी चीज़ें ये तो कुछ भी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हमने जानना है एंड समंदर है ये तो इल्म का एंड इनशा ज़रूर अच्छे से समझेंगे जानेंगे बार बार देखेंगे सो गाइज थैंक यू सो मच बबाई टेक केयर सी यू